A very good morning to all my dear friends. Myself Prerna. Welcome to my YouTube channel Business World. Today we are going to discuss the second scientific principle of management named harmony, not discord. Again, it is a principle which is given by the F.W. Taylor. Fine. So when we are discussing about this principle, we should know what is the meaning of harmony here. Harmony का मतलब क्या है? Mutual give and take. And second is proper understanding. फाइन, ये जो प्रिंसिपल है, जब हम ये आगे का डिस्कशन करेंगे आप इजीली समझ जाएंगे. फाइन, देखो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन क्यों ना हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स नेचर, बिग ऑर्गेनाइजेशन, प्रॉफिट मेकिंग, नॉन प्रॉफिट मेकिंग, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन, वॉट एवर टाइप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, वी हैव टू टाइप्स ऑफ द ग्रुप हु आर वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन. द वेरी फर्स्ट इज द वर्कर्स ग्रुप एंड द सेकेंड इज द मैनेजमेंट्स ग्रुप. फाइन, अब देखो, एक्चुअली में होता क्या है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में जो दोनों ग्रुप्स होते हैं ना, इनका एक दूसरे के लिए नेगेटिव एटीट्यूड होता है. वर्कर्स को लगता है कि मैनेजमेंट ग्रुप जो है वो हमें बहुत ज़्यादा काम देकर ओवरबर्डन कर रहा है, और जितना हमसे काम ले रहा है उतना हमें पैसे पे नहीं कर रहा है. ऑन द अदर हैंड, जो मैनेजमेंट ग्रुप होता है उसका ये एटीट्यूड होता है कि वर्कर ग्रुप को जो भी हम काम असाइन कर रहे हैं वो उस काम को ना कर कर खाली बैठे हुए हैं. फाइन, इतना समझ आया कि ऑर्गेनाइजेशन में दो ग्रुप्स हैं, दोनों का एक दूसरे के लिए नेगेटिव एटीट्यूड है. वर्कर ग्रुप को लग रहा है कि मैनेजमेंट ग्रुप मुझे ओवरबर्डन कर रहा है और ना ही अच्छे से पेमेंट कर रहा है. मैनेजमेंट ग्रुप को लग रहा है कि वर्कर को जो काम दिया जा रहा है वो उसको अच्छे से नहीं कर रहे हैं. अब प्रिंसिपल ऑफ हार्मनी कहता है, रादर देन हैविंग अ डिस्कॉर्ड टूवर्ड्स द ईच अदर, मतलब एक दूसरे के लिए नेगेटिव एटीट्यूड रखने से अच्छा है कि आप एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखें. फाइन, हार्मनी कहता है कि अपने एटीट्यूड को चेंज करो एक दूसरे के लिए. जब तक अपना एटीट्यूड एक दूसरे के लिए चेंज नहीं करोगे, जब तक आप लोगों की आउटलुक एक दूसरे के लिए, मतलब आपका एक दूसरे को देखने का नज़रिया चेंज नहीं हो पाएगा. फाइन, लेट अस अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल. हार्मनी ने क्या बोला कि देखो यार, वर्कर्स का क्या ऑब्जेक्टिव है, हम ज़्यादा से ज़्यादा अर्न करें. मैनेजमेंट का क्या ऑब्जेक्टिव है, हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करें. फाइन, तो हार्मनी जो प्रिंसिपल है वो ये कहता है, जॉइन योर हैंड्स टुगेदर. ठीक है, उसने बोला वर्कर्स को, यार क्यों ये ज़रूरी है कि तुम ये सोचो कि हमें ओवरबर्डन किया जा रहा है और अच्छा पे नहीं किया जा रहा है. लेट्स डू वन थिंग. मैनेजमेंट चाहता है ना कि प्रोडक्शन डबल हो जाए, प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाए, तो कोई बात नहीं, तुम मैनेजमेंट के लिए प्रोडक्शन को इंक्रीज़ कर दो, साथ ही साथ मैनेजमेंट जो है वो तुम्हें पेमेंट को क्या करेगा, अच्छे से पे भी करेगा, और तुम्हारी पेमेंट को अगर तुम उसमें इंक्रीमेंट चाहते हो, जो पर्क्स एंड बेनिफिट्स चाहते हो वो भी तुमको प्रोवाइड करेगा. फाइन, तो उसने क्या बोला, जॉइन योर हैंड्स. तो हार्मनी ने क्या बोला, जॉइनिंग योर हैंड्स विद ईच अदर इज हार्मनी. मतलब एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के साथ आपको काम करने की ज़रूरत है. वर्कर को ये समझने की ज़रूरत है कि मैनेजमेंट हमें ओवरबर्डन नहीं कर रहा. मैनेजमेंट को ये समझने की ज़रूरत है कि वर्कर्स की भी अपनी नीड्स हैं, अपने ऑब्जेक्टिव्स हैं, तो उन्हें फुलफिल करने के लिए हम लोगों को वर्क करना है. Fine. So this is the second scientific principle which is given by the F.W. Taylor, and I hope that this entire principle is clear to you all. If you like my video, then please don't forget to like, share and subscribe. A very thanks to all.